हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल साल में तीन बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया के खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को कर दिया है संबोधित। देश में किए हैं 5 बड़े बदलाव और लागू कर दिया है 10 बड़े नियम। साथ ही इन 10 चीजों को किया हमेशा के लिए बंद और लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते जिन चीजों पर मोदी सरकार रोक लगाने जा रही है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और क्या क्या चीज है, वह हम आपको वीडियो में बताएंगे। मोदी सरकार ने फिर से कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर से 4,000 रुपए की धनराशि आएगी। किस तरीके से आएगी वो वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के अलावा केजरीवाल सरकार ने भी किया है बड़ा ऐलान। 5 लाख रुपए तक को देंगे कोरोना वायरस से मरने वालों लोगों को। जी हाँ दोस्तों, पहले हम आपको हेडलाइन बता रहे हैं, उसके बाद पूरे इसको मुख्य समाचार के रूप में बताएंगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं। हमारा चैनल आप में से 5 लोगों को देगा एंड्रॉयड का चमचमाता हुआ फोन। जी हाँ, इस फोन को पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि भारत के किस राज्य के आप निवासी हैं, और जो वीडियो को लाइक करेगा उसी को ये एंड्रॉयड फोन मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस के चलते कुछ चीजों पर मोदी सरकार ने लगा दिया है रोक। जी हाँ, अब ये चीजें हमेशा के लिए कर दी जाएंगी बंद। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक बार फिर से कर दिया है बड़ा ऐलान, 4,000 रुपए फिर से आएंगे किसान भाइयों के खाते में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार ने अभी 2 हफ्ते पहले ही किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए की धनराशि जमा कराई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिन किसान भाइयों के खाते में पिछली किस्त का पैसा नहीं आया था, उनके लिए नया नियम, उनके इस बार फिर से किस्त में पैसा पिछले वाला किस्त का भी पैसा जुड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उनको 4,000 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक खाते में मिलेगा। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं, कम्युनिटी पे मैंने एक फोटो पोस्ट कर दी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सरकार है, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन में जिन लोगों की ऑक्सीजन के बिना मौत हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी के वजह से उनकी मौत हो गई थी, उनको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सरकार। तो मोदी सरकार के अलावा अरविंद केजरीवाल सरकार भी 5 लाख रुपए का इनाम देने जा रही है। साथ में एक और बड़ी खबर दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार भाइयों के लिए बड़ी खबर, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फिर 10वीं पास 12वीं पास इंसान है, तो आपके लिए बड़ी खबर, 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे। जी हाँ, राजस्थान की गहलोत सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपके बैंक खाते में आएंगे 3,000 रुपए, बेरोजगारी भत्ता का ऐलान हो सकता है इस महीने। जी हाँ, मोदी सरकार के अलावा गहलोत सरकार बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करने जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, समझ जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़की है, जी हाँ, आपकी बहन है, आपकी बीबी है या फिर आपकी पड़ोसिन है, तो उसके लिए भी बड़ी खबर। जी हाँ, भारत सरकार उर्फ नरेंद्र मोदी सरकार ने लड़कियों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 50,000 आंगनवाड़ी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आपकी लड़की 10वीं पास है तो उसको बता दीजिए जल्दी से जल्दी कि वो आंगनवाड़ी भर्ती 2021 में आवेदन कर दे, ताकि उसको मिल जाए सरकारी नौकरी और 17,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा आपकी लड़कियों को। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत के गरीब मजदूर महिला बुजुर्ग भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से 10,000 रुपए निकालने की सुविधा को चालू कर दिया है। अभी तक आपके पास जनधन खाता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार भारत के गरीब किसान मजदूर महिला लोगों को 10,000 रुपए निकालने की सुविधा प्रदान करती है ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर अपना खाता नहीं खुलवाया है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके पास पैसा मिल गया है तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पैसा नहीं मिला है, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी ताकि आपको मिल सके पैसा। जी हाँ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान, जैसा
जैसा कि आपको मालूम है, भारत के हर घर में जियो का मोबाइल चलाया जाता है। जियो के मोबाइल के बाद अब मुकेश अंबानी जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लड़कियों के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी जी ने जियो की स्कूटी निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने तक मार्केट में ये जियो स्कूटी उतार दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मुकेश अंबानी जी ने लैपटॉप का भी आयोजन कर दिया है। अब जियो का लैपटॉप और स्कूटी मार्केट में बहुत ही जल्द उतरने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये का जो जनधन वाला फॉर्म है वो भर के दिखाऊंगा। तो अगला वाला वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं कल दूंगा, क्योंकि उसी में असली खेल है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय नरेंद्र मोदी की जय हो।